अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस फिज़ा, क्लास 9। आज हम लोगों ने अगस्त का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ट्रैकबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। इन सब के यूजेस पढ़ेंगे और इनको इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये इनकी क्या शेप्स हैं, ये किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ट्रैकबॉल क्या है? ट्रैकबॉल आपके पास एक इनपुट डिवाइस ही होती है, एक इनपुट डिवाइस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। ये आपके पास माउस की तरह ही इसका काम होता है, ये एज इट इज़ माउस की तरह ही आपके पास वर्क करती है। इसके अंदर एक स्मॉल सरफेस होती है, बॉल होता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये जो बॉल है इसके अंदर फिटेड होता है। ये क्या काम करता है? ये आपके लिए पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं हम। पॉइंटर यानी कि अगर स्क्रीन पर कोई कर्सर है या कर्सर के अलावा कोई एरो है पॉइंटर, तो उसको मूव करता है। कैसे? जब आप इसको रोल करेंगे। अब रोल आप इसको फिंगर से भी कर सकते हैं, अपनी पाम से भी कर सकते हैं, पाम हथेली को बोलते हैं, और इसी तरीके से आप इसको किसी भी तरीके से रोटेट करके, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन पर कर्सर होगा या पॉइंटर होगा वो भी मूव करेगा। इसके अलावा एक से 3 बटन होते हैं इसके अंदर, वो बॉल के साइड्स पे होते हैं। वो क्या काम करते हैं? जैसे कि लेफ्ट बटन, राइट बटन, और आपके पास काम करता है ना उसका माउस का, वैसे ही ये भी काम करता है। ये माउस की तरह ही सिंपली काम करता है। इसका बस ये एडवांटेज है कि ये स्टेशनरी होता है, इसको मूव नहीं करना पड़ता। माउस हम मूव करते हैं, माउस को अगर खुद डायरेक्शन को उसकी चेंज करना पड़ता है जब हम काम करें, तो जैसे जैसे हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तभी माउस वर्क करता है। तो इसमें हमें ये काम नहीं करना पड़ता। इसमें हम क्या करते हैं, ये स्टेशनरी होता है, एक ही जगह पे जमा रहता है, उसको बस एक ही जगह पे रख दिया जाता है, आपको उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से ये जो है स्पेस भी कम लेता है, और स्पेस कम लेने की वजह से काम में हमारे आसानी हो जाती है। इसी तरीके से ये काम अपनी जगह पे रह कर करता है। पोर्टेबल डिवाइसेस जो डिफरेंट है पॉइंटिंग डिवाइसेस को, ये जो है मूव करने के लिए, इसके जो है कनेक्ट करने के लिए यूज भी किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या काम करती है? जॉयस्टिक भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ये गेमिंग के लिए यूज़ होती है। गेमिंग के अलावा डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ होती है। डिफरेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनर्स यानी कि कैड वगैरह में, कैड कैम वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छे से ये वर्क करती है, ये एक लीवर की तरह वर्क करती है इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। अब यानी कि हमने इसमें सिंबल्स वगैरह ऐड करने हैं, इसके थ्रू हम कर सकते हैं डिफरेंट डाटा को हम प्लेस कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कैड कैम में इसका यूज यही होता है, और ये भी माउस की तरह ही होती है, लेकिन माउस में जो है कर्सर एक्सेप्ट डैट When with a mouse, the cursor stops moving. As soon as you stop the moving the mouse. इसमें ये नहीं होता कि हम मूव करना छोड़ दें तो कर्सर भी मूव करना छोड़ देगा। इसमें जैसे एक डायरेक्शन बता दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्किंग करता है। इसमें हम लोग जब जैसे कि हम माउस को स्टॉप कर देते हैं तो कर्सर मूव करना स्टॉप हो जाता है, इसमें ये कंडीशन बस नहीं होती। ये कंटिन्यूसली आपके पॉइंटर को मूव करते रहते हैं उस डायरेक्शन पर जिस पर आपने पॉइंट आउट किया होता है। जॉयस्टिक जो है इसी तरीके से न्यूट्रल पोजीशन में होता है, एक ही जगह पे रहता है, और इसमें जो डिफरेंट बटन्स होते हैं, ये जो बटन इसमें पाए जा रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रैगर्स। ये जो बटन हैं इसके, इसको 2 बटन जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं इसके, ये वाले जो ऊपर हैं इसको बोलते हैं ट्रैगर्स, ये वाले। उसके बाद हमारे पास स्कैनर। स्कैनर किस लिए यूज़ किया जाता है? स्कैनर आपके पास इनपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस को रीड करती है। आपके जो इमेजेस हैं, जो आप पेपर पे जो इमेजेस बनी है, जैसे कि आप ये इमेज ले लें, इसको स्कैन करती है। तो ये कैपेबल होती है रीडिंग द इमेज ऑन पीस ऑफ पेपर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर वेयर अ प्रोग्राम कैन स्टोर एंड इंटरप्रेट। ये तो ये सारा काम करती है। इसी तरीके से आपके पास दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक इमेज एंड पिक्चर एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ये सिर्फ टेक्स्ट जो है डाटा उसको नहीं करती, सिर्फ आपके पिक्चर्स को जो है वो करती है। उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो एक्चुअल डाटा को ये स्कैन नहीं करती, सिर्फ पिक्चर डाटा को करती है, पिक्चर ऑफ अ टेक्स्ट को करती है।
इसी तरीके से आपके पास इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है OCR, ऑप्टिकल ट्रैक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल ट्रैक्टर रिकॉग्निशन ये इमेजेस को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, और एक्चुअल जो टेक्स्ट है डाटा वो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जस्ट ये आपके टेक्स्ट को करती है। इसके बाद इसके अंदर जो स्कैनर की जो रेंज होती है वो मोनोक्रोम होती है, यानी कि टू कलर इसमें यूज किए जाते हैं। और फ्लैटबेड स्कैनर और कलर स्कैनर ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। फ्लैटबेड एक लैदर कंप्यूटर होता है, और कलर स्कैनर एक लैदर जो है वो होते हैं स्कैनर होते हैं। ये तीन टाइप्स हैं, मोनोक्रोम में टू कलर यूज होते हैं, फ्लैटबेड में डिफरेंट होते हैं, कलर्स कलर प्रिंटर में कलर स्कैनर जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 3 या 16 कलर यूज होते हैं। इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है, और इसकी कॉस्टिंग थाउजेंड्स है। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या काम करता है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, रिकॉर्ड करता है आपके डाटा को जो है ऑडियो में, यानी कि आप साउंड को अपने म्यूजिक को या अपने आवाज़ को अपनी वॉइस को डाटा को इन करने के लिए यूज़ करें, तो फिर ये आपके पास क्या आएगा, ये माइक्रोफोन आपके पास इनपुट डिवाइस आएगा ह्यूमन वॉइस को इनपुट करने के लिए। इट कैन बी प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर और रिकॉर्डर, ये आपके पास जैसे कि कंप्यूटर में भी रिकॉर्डर होता है उसके थ्रू किया जाता है, आप उसके साथ उसको अटैच करेंगे अपने डिवाइस के साथ, देन आप उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन से। जैसे कि आपकी हैंड फ्री में भी माइक्रोफोन होते हैं, जो इसके साथ में साइड पे छोटा सा लगा हुआ होता है ना, वो आपका माइक्रोफोन ही अंदर कर जाता है। इसी तरीके से जो माइक अलहदा से होते हैं उसमें भी आप उसको भी आप यूज़ करते हैं। और डाटा को डिक्टेट करने के लिए सारा डाटा जो कमांड्स को ऑरली बोलने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकली इंपल्सिस के थ्रू डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और मेमोरी में जाकर स्टोर करता है, देन इसको प्रोसेस करता है। उसके बाद जब डाटा देगा तब वो आपको उसी फॉर्म में देगा जिस फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड होगा, तो इसके लिए इन चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है। तो ये हमारी चंद आज इनपुट डिवाइस थी। उम्मीद करती हूँ क्लास आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वॉइस रिकॉग्निशन एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।